नमस्कार सभी को। ये वीडियो है तमाम क्वेरीज जो आ रही हैं, तो इसमें सबसे पहले हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो टॉपिक है एक्सटेंशन। कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर एक्सटेंशन लेना है क्योंकि अभी बहुत सारी दिक्कतें हैं, हम ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, तो इसका क्या प्रोसीजर है, कृपया आप बताएं। तो एक्सटेंशन की जहाँ तक रही बात, तो एक्सटेंशन क्या होता है कि जैसे ज्वाइनिंग से पहले जब मान लो कोई डेट आ गई, हमारा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया और हमको ज्वाइन करने को बोला जाता है, तो उस समय हम उस कंडीशन में नहीं होते हैं कि हम उस पोस्ट को ज्वाइन कर सकें। सिचुएशंस हमारे फेवर में नहीं होती हैं, तो उस केस में डिपार्टमेंट से हम रिक्वेस्ट करते हैं और वो हमें एक्सटेंशन देता है। तो एक्सटेंशन के लिए करना क्या है पहले ये बता दूँ, फिर किन किन ग्राउंड पर आपको मिल सकता है। सबसे पहले, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, आप लोगों ने अपना अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड कर लिया होगा जिसके थ्रू आपको पता चल गया होगा कि आपकी पोस्टिंग कहाँ है, और लिस्ट में भी नाम आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो अब करना क्या है, जिस सोसाइटी में आपका हुआ है तो या तो आप उस सोसाइटी को मेल करिए। कई बार क्या होता है, मेल से भी या हम स्पीड पोस्ट भेज देते हैं उससे भी उसको कंसीडर कर लिया जाता है। तो बेटर है कि आप अभी से मेल कर दो उस सोसाइटी को, या उस सोसाइटी के एड्रेस पे, यानी स्टेट सोसाइटी की मैं बात कर रहा हूँ, स्टेट सोसाइटी जहाँ भी, जिस स्टेट में, मान लो जैसे आपका राजस्थान में हुआ है तो राजस्थान की जो स्टेट सोसाइटी है उदयपुर में, उसको आप एक एप्लीकेशन लिखो, स्पीड पोस्ट से भी भेज दो रिक्वेस्ट करने के लिए, और या एक मेल कर दो, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी कर सकते हो। यह है कि आप वहाँ ना जाना पड़े इस कंडीशन में, ठीक। तो अगर कोई रिप्लाई आ जाता है तो इट मींस कि आपको उन्होंने एक्सटेंशन दे दिया है। लेकिन रिप्लाई नहीं आता है और आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग वहाँ पे आ चुकी है, तो इस केस में क्या करना है, तो यहाँ पर बेटर है आप जो है जाएं वहाँ पे, आपको जाना पड़ेगा। आप चूँकि एक्सटेंशन आप ले रहे हो तो इतना तो एफर्ट करना ही पड़ता है। आप वहाँ जाएँ, उन्हें अपनी समस्या बताएँ कि सर ये केस है, इस वजह से मैं अभी ज्वाइन करने में असमर्थ हूँ, कृपया मुझे एक्सटेंशन देने की कृपा करें। तो जाना कहाँ है, स्टेट सोसाइटी, ठीक है। प्रॉपर होता क्या है, प्रॉपर चैनल की अगर हम बात करें, हम पहले प्रिंसिपल से बात करते हैं। प्रिंसिपल भी वही कहता है कि भाई आप आरओ बात करिए, तो जैसे केवीएस एनवीएस में आरओ होते हैं, ऐसे यहाँ पे इनकी स्टेट सोसाइटी है। तो बात वही है कि हमें जाना एटलीस्ट स्टेट सोसाइटी है, वही आपका जो वहाँ पे कमिश्नर होता है वो अलाउ करता है एक्सटेंशन के लिए। तो आप वहाँ पहुँच जाइए, उनको बताइए ये समस्या है, फिर वो आपको दे देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद, हालांकि बहुत से लोग नेस्ट दिल्ली अप्रोच करेंगे, बट वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये आपका स्टेट के ऊपर है, स्टेट ज्वाइन कराएगी तो आपको वहीं जाना है, ठीक है। बता दिया मैंने क्या स्टेप करना है, मेल पहले, स्पीड पोस्ट, टेलीफोन से अगर कहीं से नंबर अरेंज हो जाए बात कर लो। इन तीनों सिचुएशन में भी नहीं अगर हो रहा है तो फिर जो डेट आपको मिली है वहाँ पर डीवी कराने की, उस डेट में आप जाइए, रिक्वेस्ट करिए कि सर मेरा ऐसा ऐसा केस है, मुझे एक्सटेंशन चाहिए। तो ठीक, ये है स्टेप्स। अब हम बात करें कि किन किन ग्राउंड पर आप ले सकते हो। सबसे पहला मेडिकल, मेडिकल का मतलब किसी का ऑपरेशन हुआ है, किसी का बेबी हुआ है, किसी का अभी बेबी होने वाला है, मतलब प्रेग्नेंट है महिलाओं के केस में, तो इस केस में आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। दूसरे केसेस होते हैं कि खुद की आपकी कोई इंजरी हो रखी है, या आपका एकेडमिक कोई कोर्स चल रहा है। मैं एकेडमिक की बात कर रहा हूँ, वनडे एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ, वनडे एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा। जैसे कई लोग एकेडमिक कर रहे हैं, जैसे उनका पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है या ग्रेजुएशन या कुछ भी मान लो चल रहा, पीएचडी चल रही है, तो थोड़े दिन के लिए लगता है कि आगे 2-3 महीने में एग्ज़ाम मेरे हो जाएंगे, मेरा कोर्स पूरा हो जाएगा, तो इसके लिए हम उसको करने के बाद ज्वाइन करें, तो इस केस में आपको मिल सकता है। तो ये मैंने कुछ केसेस बताए हैं जिसमें आप एक्सटेंशन ले सकते हो। दूसरा एक एक्सटेंशन मिलता है जब आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट में हैं, जैसे मान लो अभी आप कहीं वर्किंग हैं किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट सर्विस में, तो वहाँ पे करना क्या है,
आप सिंपली उन्हें लिखेंगे सर कि मैं यहाँ यहाँ अभी कार्यरत हूँ और यहाँ मुझे नोटिस पीरियड सर्व करना है, या जो भी आप बताओ अपना रीज़न कि इतने दिन बाद मुझे रिलीविंग लेटर मिलेगा तो कृपया मुझे एक्सटेंशन देने की कृपा करें। तो उस केस में आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। अब एक्सटेंशन मिलता कितने दिनों के लिए? मैक्सिमम 6 मंथ के लिए तक मिल जाता है। जैसे कि वैसे तो वो मना करते हैं, हम 1 ही 2 महीने देंगे ज़्यादा केसेस में, लेकिन अगर आपका कोई जेन्यून केस है जिसको लगता है कि हाँ आपका 6 महीने से कम में काम नहीं चलेगा, एकेडमिक के केस में एकेडमिक आप करना चाहते हो, दूसरा हो गया महिलाओं के केस में प्रेग्नेंट हैं तो ये कुछ, या आप रिकवर कर रहे हैं किसी से, कोई ऑपरेशन होना है या कोई आपका इलाज चल रहा है उससे रिकवर करना चाहते हैं जिसमें इतना टाइम लगेगा, तो ये कुछ केसेस हैं जिनमें आपको वो 6 मंथ तक का अलाउ कर देते हैं। तो समझ के एक्सटेंशन का मामला क्या है, कहाँ अप्रोच करना है, क्या क्या चीज़ें हैं जिन ग्राउंड पे मिल जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेरी है जो बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं, बीपीएससी टीचर हैं जो बिहार में कार्यरत हैं, वो पूछ रहे हैं कि सर त्यागपत्र कैसे देना है और ज्वाइन कैसे करना है, इसका पूरा प्रोसीजर सर बता दीजिए। तो मैंने हालांकि पहले भी बता चुका हूँ कि रेजिग्नेशन का क्या प्रोसीजर है, केवी के टाइम भी बताया था, अभी भी बताया था, हो सकता है आप लोगों के ना समझ में आया हो, तो मैं सिर्फ यहाँ पे बीपीएससी टीचर की बात कर रहा हूँ। तो जितने भी ऐसे लोग जो बिहार में सर्विस कर रहे हैं तो वो अपने स्कूल को रिटर्न में दे दें अब कि सर मेरा यहाँ यहाँ चयन हो गया है और मैं अब इस पद से त्यागपत्र दे रहा हूँ। ठीक, तो इस केस में 2 कंडीशन बनती हैं। अगर आपका प्रिंसिपल या आपका डिपार्टमेंट आपसे कहता है कि आपने हमें 1 महीने पहले सूचित नहीं किया है, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल ये भी है कि 1 महीने पहले हमें सूचना देनी होती है कोई भी पद छोड़ने से पहले, तो वो आपकी अगर आपने ऐसा सूचित नहीं किया है, इन्फॉर्मेशन उनको नहीं दी है, या कह सकते हैं 1 मंथ नोटिस पीरियड अगर हमने सर्व नहीं किया है तो वो आपसे 1 महीने की सैलरी जमा कराते हैं। अगर उनको कोई इशू नहीं है तो वो आपको तुरंत ही रिलीविंग दे देंगे, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं। तो करना क्या है, आपको रेजिग्नेशन देना है। रेजिग्नेशन अगर प्रिंसिपल चाहेगा तो प्रिंसिपल ही आपको एक लेटर बना देगा कि भाई आप, वो आगे आपके लेटर को फॉरवर्ड कर देगा और आपको कार्यमुक्त कर देगा। लेकिन ज़्यादातर केसेस में प्रिंसिपल ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या रिलीविंग ऑर्डर की जो पावर है वो होती है आपका जो डिपार्टमेंट है, जो DOE या जो भी आपका लगता हो, तो वो आपको देगा, तो वो आपकी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर देंगे वहाँ। इसमें थोड़ा सा आपको भी एफर्ट करना होगा, जल्द से जल्द हो सकता है आपको वहाँ जाना हो, अधिकारियों से मिलना हो, तो आप चले जाइएगा कि सर मेरा यहाँ यहाँ हो गया, मुझे डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए, मुझे रिलीविंग ऑर्डर चाहिए, मुझे ये मेरा रेजिग्नेशन है, इसको आप एक्सेप्ट करिए। रेजिग्नेशन के कई तरीके हैं। एक रेजिग्नेशन आप स्कूल और DOE जो भी है आपका उसको आप मेल कर सकते हो, स्पीड पोस्ट कर सकते हो, पर्सनली जाके हैंड ओवर कर सकते हो। अब लोगों को आया सर टेक्निकल रेजिग्नेशन या उसमें क्या होता है। टेक्निकल देखो ये होता है कि अगर जब हमने ज्वाइन किया होता है डिपार्टमेंट से, आपने बिहार ज्वाइन किया होगा और ये वाला फॉर्म अगर उससे पहले भरा है और एग्ज़ाम दे चुके हैं और आपने अगर इन्फॉर्मेशन उनको दी थी कि मतलब आपने अगर इन्फॉर्म किया है उनको कि जो है मैंने मेरा इसमें मैंने फॉर्म भरा या मेरा इसमें चयन हो गया है, तो फिर आप चाहें टेक्निकल वर्ड का यूज़ करें अपने लेटर में या ना भी करें, वो आपका टेक्निकल ही माना जाएगा। और उसमें आप अगर ये दिखाते हो कि मैं दूसरी सर्विस ज्वाइन करने के लिए जा रहा हूँ, भले ही आप ये वर्ड यूज़ करें टेक्निकल या ना करें, वो आपका टेक्निकल ही है। आई होप समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। मतलब मैंने फिर से आप सुनिए, टेक्निकल रेजिग्नेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि टेक्निकल वर्ड को यूज किया जाए एप्लीकेशन में। उसकी कंडीशन यही होती है कि आपने जिस जगह आपका सिलेक्शन हुआ है उसकी जानकारी जिस डिपार्टमेंट में आप अभी कार्यरत हैं टाइम रहते दी थी या नहीं दी थी, और जब रेजिग्नेशन देंगे उसमें ये मेंशन करना होगा कि हम ये नौकरी ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं। अगर ये 2 कंडीशन हैं तो वो आपका टेक्निकल रेजिग्नेशन माना जाएगा। टेक्निकल रेजिग्नेशन का केवल एक बेनिफिट होता है, वो सिर्फ ये होता है कि आपने जितने दिन सर्विस करी उसकी जो भी बेनिफिट्स हैं सर्विस हैं वो एक नए डिपार्टमेंट में आपके ऐड हो जाते हैं। लेकिन चूँकि EMRS एक ऑटोनोमस बॉडी है, तो जितनी भी ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं KVS, NVS, EMRS, ये आपकी सर्विस को ऐड नहीं करती हैं, तो वो भी कोई ख़ास आपके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ने वाला है।
लोग पूछ रहे थे टेक्निकल और लीन में क्या फ़र्क है, क्योंकि लोग टेक्निकल और लीन को एक ही समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। देखो लीन में क्या होता है कि लीन जो मिलता है वो प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करने के बाद मिलता है। टेक्निकल रिजिग्नेशन आप प्रोबेशन में भी हैं तब भी ले सकते हैं, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस है लीन में क्या होता है कि आप अपने जिस पद से रिज़ाइन दे रहे हैं उस पद पर फिर से वापस आ सकते हैं। अगर मान लो आप EMRS ज्वाइन करने जा रहे हैं और आप यहाँ से लीन लेकर जाते हैं तो आपको EMRS नहीं पसंद आता है तो आप अपने पद पर 2 साल के अंदर वापस आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक ही कंडीशन है, आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होना चाहिए। टेक्निकल रिजिग्नेशन में आप अपने पद पर वापस आने के हकदार नहीं हैं, समझ रहे हो? यानी कि अगर आपका प्रोबेशन कंप्लीट नहीं है तो भी वो टेक्निकल माना जाएगा, लेकिन टेक्निकल में आप अपने पद पर वापस नहीं आ सकते। मतलब क्या है, टेक्निकल और लीन अगर दोनों आपको लेना है तो उसके हिसाब से 2 साल आपका कंप्लीट होना चाहिए प्रोबेशन, या जो भी प्रोबेशन पीरियड हो। अगर बिहार गवर्नमेंट में 1 साल का है तो 1 साल कंप्लीट होना चाहिए, 2 साल का है तो 2 साल नहीं है तब आप ले सकते हो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन टेक्निकल वो हर कंडीशन में है। टेक्निकल और लीन में फ़र्क यही है, लीन में आप अपने पद पर वापस आ सकते हो और टेक्निकल में आपके बेनिफिट्स ऐड हो जाएंगे, सर्विस बेनिफिट्स, बाकी और जैसे EL वगैरह जो भी हैं, छुट्टियां हैं वो ऐड हो जाती हैं जो भी हैं आपकी, तो ये होता है। तो इसका हमें लगता है बिहार में ऐसा कुछ है नहीं, तो आप डायरेक्ट रिज़ाइन करिए और आ जाइए। मतलब अगर आपने 1 मंथ की नोटिस पीरियड सर्व कर ली है, 1 महीने पहले उनको सूचना दे दी थी, तुरंत रिजिग्नेशन दीजिए, या नहीं भी सर्व करी थी अब आपको ज्वाइन ही करना है, रिजिग्नेशन दीजिए, 1 महीने की सैलरी अगर वो मांग रहे हैं उनको जमा कीजिए, उसके बाद आपको रिलीविंग मिल जाएगी, आके ज्वाइन करिए। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। रिलीविंग लेकर ही आइएगा, मैं यही कहूँगा, भले NOC ना दी। NOC और रिलीविंग ऑर्डर में डिफरेंस होता है। जैसे कई लोगों ने मुझसे पूछा NOC क्या होती है, जिसको हम नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहते हैं, जिसका मतलब है कि जैसे हम अगर बिहार में अगर मान लो मैं हूँ अभी, तो बिहार गवर्नमेंट से मैं NOC मांगूंगा कि मैं EMRS का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो बिहार गवर्नमेंट मुझे NOC देगी कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी आप EMRS का एग्ज़ाम दे रहे हो, मुझे कोई परवाह नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप दीजिए, उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये होती है NOC, जो हमें जॉब में रहते हुए जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, और इस NOC की ज़रूरत तब पड़ेगी जब मेरा सिलेक्शन EMRS में हो जाता है, मैं DV के लिए जाता हूँ, तब वो मांगते हैं NOC। लेकिन ज्वाइनिंग के टाइम पे NOC नहीं मांगी जाती है, ज्वाइनिंग के टाइम पे आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, रिलीविंग सर्टिफिकेट, रिलीविंग ऑर्डर मांगा जाता है। तो रिलीविंग ऑर्डर, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब हम रिज़ाइन करेंगे। गलती से भी ये मत करिएगा कि हम EMRS ज्वाइन कर लें और बाद में यहाँ पे हम दें आकर के रिजिग्नेशन, वो आपकी नौकरी खा जाएगा अगर किसी को ऐसा पता चला, क्योंकि आप एक समय पे 2 नौकरियाँ नहीं कर सकते, भले ही आप सैलरी एक ही जगह से ले रहे हैं, वो एक अलग मैटर है, 2 जगह जॉब नहीं कर सकते। सबसे पहले रिजिग्नेशन और रिलीविंग लीजिए, फिर ज्वाइन करिए। आई होप बिहार वालों को भी कुछ इसका सोल्यूशन मिला होगा। बाकी एक मुद्दा चल रहा है, हाँ अभी सर मेरा जैसे मेरा 2-3 कैंडिडेट हैं जिनका संस्कृत में सिलेक्शन हुआ है, PGT संस्कृत, तो उन्होंने अपने प्रिंसिपल से बात करी, तो प्रिंसिपल ने कहा यहाँ पर पोस्ट ही नहीं है PGT संस्कृत की, तो ऐसे लोगों को क्या करना है, तो ऐसे लोगों के लिए ही वो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट का मेल करने को बोला है, आप लोग मेल कर दीजिए और आपको वो चेंज कर देंगे स्कूल, तो ये समस्या है। बाकी मैं आपकी क्वेरीज़ में लेना शुरू कर रहा हूँ, तो ये हो गया। फिर है बहुत से लोग हैं सर मेरे यहाँ स्कूल में TGT पोस्ट के लिए 3-3 लोगों का चयन हुआ है, या सर 2 लोगों का चयन हुआ है, तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी EMRS हैं अभी 2 पद तो हो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, TGT के 2 पद होते हैं अगर 2 सेक्शन चल रहे हैं, जैसे इनकी संख्या जो अभी पुराने जो स्टेट के अकॉर्डिंग चल रहे थे तो 60 थी एक क्लास में, लेकिन अब 30-32 कर दी है, लेकिन अब चूंकि इस साल से होगी तो हो सकता ये जो 60 थे इनको 2 सेक्शन में बांट दिया जाए, और अगर 2 सेक्शन हैं इट मींस 2 पोस्ट क्रिएट हो गई। अगर सेक्शन एक ही है किसी क्लास का तो एक ही TGT होगा वहाँ पर, ठीक है? तो आप अपने प्रिंसिपल से कंफर्म कर लो, वो आपको बता देगा,
दो पोस्ट हो सकती हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन तीन में थोड़ा सा, तीन तभी होता जब सेक्शन और ज़्यादा हो, पोस्ट और ज़्यादा क्रिएट हो, दो तो नॉर्मली हो सकते हैं, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो ये हो गया एक क्वेश्चन लोगों ने पूछा था, और मैं देख रहा हूँ कई लोगों ने पूछा है, हाँ ज्वाइनिंग के लिए सर जो डेट आई है तो उस डेट पे ही जाना है या वापस आ जाएंगे, कब ज्वाइन कराएंगे। तो जो डेट उन्होंने मेंशन करी वो टेंटेटिव डेट हैं, अभी आप लोगों ने देखा होगा एक लिस्ट आई है जिसमें आगे टेंटेटिव डेट हैं, कई सारे मेल्स आए हैं जिनमें लिखा है ऑन और बिफोर इस डेट तक ज्वाइन करना है, तो वो टेंटेटिव डेट हैं। जब तक आपको मेल ना, जैसे कई आंध्र प्रदेश कर्नाटका इन्होंने मेल भेज दिए हैं तो वो क्लियर हो गए, उनको जाना है। महाराष्ट्र वालों ने अभी मेल नहीं भेजे हैं, तो जिन्होंने मेल नहीं भेजे हैं आप लोग मेल का इंतज़ार करिए, जब मेल आ जाए तब आपको जाना है, या तो आप उनसे बात कर लो, ठीक है। ज्वाइनिंग का क्या है, कैसे सर पूछ रहे हैं कि जाना है और क्या क्या लेकर जाएं, तो आप अपना ये सोच के जाइए आप जा रहे हैं और वहाँ पे आप ज्वाइन करने ही जा रहे हैं, ज्वाइनिंग के तुरंत बाद आपकी पोस्टिंग होके आप अपनी क्लासेस लेंगे, आपको काम करना है, छुट्टियाँ मिलेगी नहीं अभी, छुट्टियाँ तभी मिलेंगी जब आपकी CL वगैरह EL क्रेडिट हो जाएंगी, या आगे जो वैकेशन पड़ेगा तभी आप आ पाएंगे। तो पूरी तैयारी के साथ जाइए, अगर फैमिली को ले जा रहे हैं सभी लोगों को ले जाइए, कपड़े ले जाइए, अपने सारी चीज़ें जो डेली यूजेस की हैं सब कुछ ले जाइए, मेंटली प्रिपेयर होकर जाइए कि अब हम 2-3 महीने बाद ही वापस आएंगे, ठीक है। तो ये पूरा मेंटली प्रिपेयर होकर जाइएगा, सारी चीज़ें अपना जो भी सामान आपको ले जाना है वो सारी चीज़ें लेके जा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ये था लोगों का, बाकी जैसे बहुत से लोग हैं जिनका लेटर पहले डाउनलोड हो चुका था, वो फर्जी जुटे पड़े हैं डाउनलोड करने में, तो आप क्यों कर रहे हो फालतू में, एक बार हो चुका उसको लेके जाइए, दोबारा क्यों करना। हाँ उनके में ज़रूर दिक्कत है, जैसे जिनका TGT PGT दोनों था और उनको एक ही स्कूल अलॉट हो गया था और फिर PGT के सडनली गायब हो गए, कुछ लोगों को PGT दूसरा अलॉट हुआ है, ऐसे लोगों से यही कहना है कि आप जो सोसाइटी, जैसे मान लो PGT का गायब हो गया, TGT का आपका है, TGT में लिखा है आपका, इस लिस्ट में आपका हुआ है, तो जब आप सोसाइटी वहाँ जाइएगा उनसे ये बात कहिएगा कि सर मेरा PGT में भी था लेकिन PGT नहीं मिल रहा, मुझे बताइए सर क्या करें, मुझे TGT ज्वाइन नहीं करना, मुझे PGT ज्वाइन करना है। भाई जिसका TGT PGT दोनों में हुआ तो TGT क्यों ज्वाइन करेगा, PGT करेगा, PGT का गायब कर दिया है, तो बेटर है आप स्टेट सोसाइटी जाइए, मेल कर दीजिएगा उनको जो मेल उन्होंने दी है, तो उससे आपकी क्वेरी हो जाएगी। बाकी जिनका हो चुका है एक, वो दोबारा मत ट्राई करो भाई, आप लोग फर्जी में ट्राई कर रहे हो। बहुत से लोग अभी भी कह रहे हैं सर मेरा ना तो लिस्ट में नाम है ना ही अपॉइंटमेंट लेटर मतलब डाउनलोड हो रहा है, तो मैं क्या करूं, तो उनसे मैं यही कहूंगा वेट करो अभी थोड़ा सा, सारी लिस्ट क्लियर हो जाने दो, फिर मैं बताता हूं आगे क्या करना है। बहुत से लोग जो अब्सेंट थे वो बाहर किए गए हैं, जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था वो बाहर किए गए हैं, ऐसे तमाम लोग हैं, तमाम लोग मेरे पास मैसेज कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं और क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि EMRS ने अपनी जो एलिजिबिलिटी रखी थी उसमें उन्होंने इक्विवेलेंट वर्ड नहीं यूज किया था, जैसे बहुत सारे उन्होंने, जैसे पॉलिटिकल साइंस का उन्होंने मांगा कि आप पॉलिटिकल साइंस से मास्टर होना चाहिए, तो लोगों ने पब्लिक एड वालों ने भी डाल दिया कि VS NVS या अदर जो हैं वो साफ साफ लिखते हैं पॉलिटिकल साइंस या इसके इक्विवेलेंट, इसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। EMRS ने ये मेंशन नहीं किया तो वो पॉलिटिकल साइंस मांग रहा है, पॉलिटिकल साइंस ही होना चाहिए, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। जैसे बहुत से बायोटेक्नोलॉजी से हैं, उन्होंने MSc बायोटेक से करी है, तो साफ साफ उन्होंने लिखा था बॉटनी होनी चाहिए या जूलॉजी होनी चाहिए, हालांकि बायोलॉजी भी आगे लिखा लेकिन बायोलॉजी का MSc बायोलॉजी होती नहीं है, बॉटनी या आपकी जूलॉजी होती है, तो यही दो होने चाहिए, बायोटेक बायोटेक आपका नहीं मानेंगे, वो केस करना चाहें आप कर सकते, वो अलग चीज़ है। बाकी और मैं देख रहा हूँ क्या क्या है, एक्सटेंशन मैंने बता ही दिया, टेक्निकल रिजिग्नेशन मैंने बता ही दिया, मुझे सिक्किम स्टेट मिला है तो मेल का वेट करना है। हाँ बिल्कुल मेल का आप वेट करिए, सभी को वहाँ कहाँ जाना है इस पर भी कई लोग पूछ रहे हैं कि स्कूल जाना है या सोसाइटी, तो कल ही मैंने वीडियो बनाया था उसमें साफ साफ लिखा है कि आपको जाना है स्टेट सोसाइटी, स्टेट सोसाइटी जब जाएंगे वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद आपको एक लेटर साइंड मतलब जो आपका लेटर है उसी पे स्टाम्प मोहर करके वेरीफाई किया जाएगा, तब स्कूल जाना है।
और देखते हैं हम क्या है मैसेज आप लोगों के। फॉर्म फिल करते टाइम मेरा यूनिवर्सिटी का नाम गलत हो गया था, तो कोई इशू थोड़ी होगा? नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं होगा। एक कंसर्न और है लोगों का कि सर मेरा एनरोलमेंट नंबर पहले गलत था, मैंने ध्यान नहीं दिया था, मार्कशीट में सही करा लिया है, या मेरा फादर का नाम गलत था, अब मैंने सही करा लिया, पहले मार्कशीट दूसरी दी थी, अब वो जमा हो गई, दूसरी आ गई, इससे कोई इशू? कोई इशू नहीं होता इससे। पुलिस वेरिफिकेशन लोग पूछ रहे प्रेजेंट एड्रेस पर होगी या परमानेंट एड्रेस? तो परमानेंट एड्रेस आप डालेंगे, परमानेंट वो कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन इसका सिंपल तरीका मैं बता चुका हूँ। जैसे ही पुलिस वेरिफिकेशन आपके स्कूल से भेजा जाएगा, आप तुरंत जो है अपने कोतवाली चाहे खुद आ जाइए, किसी को भेज दीजिए, वैसे आप ही आइए, एक आईडी लेके आएंगे, वो आपका कर देंगे, कोई समस्या नहीं है। दूसरा मेडिकल फिटनेस, मेडिकल फिटनेस मैं बार बार कह चुका हूँ, CMO होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, या उसके इक्विवेलेंट रैंक का होना चाहिए, या सिविल सर्जन होना चाहिए, या चीफ सुपरिंटेंडेंट मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए। इनके अलावा MBBS इन लोगों से मत बनवाना जो हॉस्पिटल में केवल ऐसे ही बैठते हैं, मत बनवाना, ठीक है? जो तीन मैंने बताए हैं उन्हीं से होना चाहिए। जैसे मेरा DV के टाइम नाम में मिस्टेक था, अब सही करवा लिया, कोई इशू नहीं है। ट्रांसफ़र के लिए जो नोटिस आया, बार बार मैं बता चुका हूँ, ये जिनकी पोस्टिंग ऑर्डर गड़बड़ आई है उन्हीं का है और किसी का नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, आई थिंक मैंने कवर करने की कोशिश करी है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब जो है इसी के अकॉर्डिंग चीज़ें करनी है, आई होप ये सारी चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी। और अभी भी अगर आपको कुछ लगता है आप हमें मैसेज कर दो या मुझे बता दो, तो मैं देख लूँगा, मैं कवर कर दूँगा चीज़ों को, बता दूँगा क्या कैसे करना है। आई थिंक मेन मुद्दा यही था, एक्सटेंशन का, ज्वाइनिंग का, रिजिग्नेशन का, लीव का। हालांकि अभी कुछ महिलाओं ने मुझसे मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव की बात करी है, उन पर मैं वीडियो बनाऊँगा, बताऊँगा डिटेल में क्या करना है। बेटर यही है अभी आप एक्सटेंशन ले लें, एक्सटेंशन ले लें तो उसमें थोड़ी राहत रहेगी। बाकी और जो भी चीज़ें हैं मैं धीरे धीरे बता दूँगा, मुझे मैसेज कर दो, मैं कवर कर दूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी यही मैं बताना चाहूँगा, जिनका अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं हो रहा है, लिस्ट में भी नाम है नहीं है, अभी कुछ लिस्ट बची हैं, थोड़ा वेट कर लूँ, आ जाएगा। नहीं आता है तो फिर मैं बताऊँगा क्या करना है। ठीक है, नमस्कार, बाकी मिलते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। मैं हमेशा ऐसे ही बना रहूँगा, लोगों की मदद करता रहूँगा। और अगर आपको भी लगता है तो इन फ्यूचर जब आप भी सर्विस में आ जाएं, क्योंकि तो आपको भी सारी जानकारी हो जाएंगी ये सर्विस में आने के बाद, आप भी लोगों की मदद करिए, बेस्ट यही है। क्योंकि जब हम किसी की मदद करते हैं तो वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे लिए फ्रूटफुल होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।